तो यहाँ मेरी जो शीट्स है वो रेडी हो गई है। डॉगी तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? हाँ कुछ उड़ाओगे उसको? अभी तो रात के 9 बज रहे हैं लेकिन मेरे बच चुके हैं 12। कुरकुराहट की आवाज ना यहाँ तक आ रही है। मैं भी खा के देखूंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे ही हो, क्योंकि मौसम ना थोड़ा चेंज हो रहा है। कभी कभी लगता है कि थोड़ी गर्मी लग रही है, कभी कभी ठंड लगती है, तो ना बहुत संभल के रहने लायक है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही की और जिसकी वजह से हम सबको जुकाम होके रखा, और थोड़ा सा इन्फेक्शन भी किसी एक को हुआ है घर में तो सबको तो होना ही मस्ट है। हालांकि 2-3 दिन में सही हो जाता है, तो हम सबको इस टाइम कोल्ड का मतलब जुकाम हो रखा है। तो आज जुकाम तो है बट चलो उसको साइड करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल, और एक्चुअली सब मैंने सोचा बहुत टाइम पहले मैंने स्प्रिंग रोल बनाया था, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल। देखते हैं कैसा बनता है इतने सालों बाद, और रेसिपी हाथ सेट है उस पर या नहीं। तो चलिए फिर फटाक से, क्योंकि लंच वंच तो हो चुका है, नाश्ते का टाइम होने वाला है शाम वाला, तो शाम के नाश्ते के टाइम पर रेडी हो जाए, इसलिए चलते हैं सीधे किचन में और स्प्रिंग रोल की तैयारी करती हूँ मैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग रोल बनाने की सारी तैयारियां हो गई हैं, तो फटाफट से चलिए बना लेते हैं शाम का नाश्ता, आज स्पेशल स्प्रिंग रोल। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो स्प्रिंग रोल की शीट बनानी पड़ेगी, तो मैं जा रही हूँ फिलहाल शीट बनाने, तो उसका मैं बैटर तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक लिया है, और इसमें पानी में डालूंगी, और एक अच्छा सा घोल बनाना है, पोरिंग एंड कोटिंग कंसिस्टेंसी वाली, मतलब कि आप जब मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से उसको घोल बना लेना है, कोई भी मतलब लम्स नहीं रहना है। और इसके बाद क्या करना है कि मैं सोच रही हूँ क्या पता आपको बनाना हो तो थोड़ा टिप मिल जाए। तो ये देखिए जब मैं इसको उठा के चम्मच से डाल रही हूँ, मतलब गिर रहा है, ये पोरिंग है, और अगर मैं ये देखिए चम्मच को अच्छे से कोट कर रखा है, दैट मीन की कोटिंग भी है। तो पोरिंग एंड कोटिंग कंसिस्टेंसी मतलब एग्जैक्ट इतना ही पतला हमें घोल बनाना है। और फिर नॉनस्टिक तवा मैंने लिया है, नॉनस्टिक तवा ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें चिपकेगा नहीं फिर, और ऑयल बहुत कम लगने वाला, तो हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके पोंछ दिया है तवे को। और फिर हम मीडियम फ्लेम पे ये दाल वाली कलछुल ले रहे हैं, और इसके बाद एक पूरा कलछुल लेकर के हम इस पर डालेंगे जैसे हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसे। और इसके बाद इसको अच्छे से फैला देना है, और अगर इस तरीके से बीच में होल हो जाए तो कोई बात नहीं है, इसको बराबर कर देना है। फिलहाल अगर आप तवा के बजाय पैन ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है, जिसके साइड में बॉर्डर होता पतला पतला, तो उसमें आपको ये फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे घुमाएंगे तो पूरा अपने आप एकदम थिन लेयर बन जाएगा, जितना थिन होगा उतना बेटर है। तो अभी थोड़ा थोड़ा हो गया, देखिए एकदम ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो अब हम इसको पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हल्का करना है हमको, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कि हाँ ये शीट के लायक तैयार हो जाए। तो ये देखिए बढ़िया सा हो गया मेरा, हालांकि थोड़ा सा थिक है, बट जितना पतला शीट आपका रेडी होगा उतनी अच्छी आपकी स्प्रिंग रोल रेडी होगी। तो शीट्स मेरे रेडी हैं, ये भी रेडी है, इसी तरीके से बाकी की शीट मैं रेडी कर लूँगी। और चलिए स्प्रिंग रोल की शीट तो रेडी हो गई है, अब स्टार्ट करती हूँ स्टफिंग बनाना। यहाँ मेरी जो शीट्स है वो रेडी हो गई है स्प्रिंग रोल की, और अभी तो फिलहाल मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ी सी पनीर आजान के लिए, और इसके बाद अपना स्टफिंग रेडी करने वाली हूँ मैं। तो चलिए फटाफट से पहले आद्यान को देती हूँ, बहुत मुश्किल से खाता हर एक चीज। आद्यान ये आपके लिए क्या लाए हैं? फ्राइड पनीर। ये अभी है डैडा को दिखाएंगे तो कैसा लगेगा, फ्राइड पनीर नहीं लाए तो ध्यान के लिए थे, लेकिन एक टेस्ट कर लिया ना, बस बस पता चला आप ही खत्म कर गए। आज बाबू ये लोग इसको आइए खाइए, यहाँ देखो नहीं मैं नहीं खाऊंगा, यही नखरे करता हमेशा, नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं वो नहीं खाऊंगा। ये है आद्यान का रूम, आद्यान के पास है बहुत सारे टॉयज, लेकिन आद्यान को खेलने के लिए चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होता आपको खेलने के लिए? तो अब इस टाइम ना घर में सभी को कोल्ड हो रखा है, आद्यान को स्टार्टिंग हुई है आद्यान से परी को, परी से मुझे, मम्मी को, संजना को, सबको जुकाम पकड़ है, इसी वजह से आवाज भी चेंज हो गई है। तो चलिए फिर आद्यान तो अभी तो नहीं खाने वाला मुझे ऐसा लग रहा है,
बट चलते हैं ऊपर और इन लोगों के नाश्ते की तैयारी करते हैं। आज बन रहा है स्प्रिंग रोल। ही इज माय हस्बैंड। जो सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें तो पता ही होगा। हाँ भैया, मैं ही हस्बैंड हूँ। तो ये कौन सा इंट्रोडक्शन है? हाँ, मैं ही गर्लफ्रेंड हूँ। फाइनली मेरे पास जो स्टफिंग्स है वो है पत्ता गोभी, चुकंदर, हरी मिर्ची, प्याज और पनीर, और ये तो मेरा शीट रेडी हो गया है। और साथ में मैंने यहाँ डाला है ऑयल। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग बनाना शुरू कर दिया है और सारे कुछ काफ़ी हद तक सारी चीज़ें पक गई हैं। बहुत ओवर कुक नहीं करना। तो मेरी स्टफिंग हो गई है रेडी, मेरा स्प्रिंग रोल भी रेडी हो गया। इसको काट दिया, मैं अच्छे से चॉप नहीं हुआ मेरे से क्योंकि बहुत गर्म था, तो टच करते बन नहीं रहा था मुझसे। थोड़ा कड़वा वाला सॉस भी होता तो मजा आता। ये कैसा लग रहा जो बना है? मस्त बना। मैं अपना स्प्रिंग रोल ऐसे उठा लाई, लास्ट वाला जो था हम लोग बिना कट किए चॉप किए ऐसे उठा लाए। तो स्प्रिंग रोल और चाय आई है शाम का नाश्ता, और अब मेरे हस्बैंड देंगे रिव्यू कैसा लगा। कौन सी मेरी टी है? खा के बताइए। कौन सा? कोई भी ले लीजिए, यही ले लेते। अच्छा लगा? तो कुरकुराहट की आवाज ना यहाँ तक आ रही है। मैं सोता था। मैं और आद्यान ना आज बहुत अपनी सारी, मैं अपनी ओल्ड मेमोरीज और आद्यान अपने बचपन की फोटो सारी हम लोग जा रहे हैं देखने, मैं माँ बेटे मिलके। और ये देखिए आद्यान की पिक्चर है जब आद्यान बहुत छोटा सा था हॉस्पिटल में, जब इसका मतलब जिस दिन ये हुआ था उस दिन का पिक्चर है। और अब आद्यान 3.5 years के हो गए हैं। इधर दिखा दो, इधर दिखा दो, ये देखिए। तो अभी यहाँ मैं आद्यान के लिए थोड़ा सा मटर भून रही हूँ, और जल्द रिसेंटली उसने मटर खाना स्टार्ट कर दिया तो मुझे बहुत खुशी कि चलो मेरा बेटा कुछ तो खा ले रहा है ढंग से। तो मैं उसके लिए मटर फ्राई कर रही हूँ। परी ये देखिए, परी खेल रही है कैसे, और मेरा बेटा भी, मैं इसको खिला रही हूँ और धीरे धीरे खाता है। हालांकि बहुत टाइम लेता खाने में, अच्छे से च्यूइंग करके खाता है। खिलाने मुझे थोड़ा टाइम लगता है, बट डाइजेशन के लिए तो अच्छा ही है जितने अच्छे से आप च्यूइंग करके खाएंगे। तो ये देखिए हमारे घर में दो पपी आए हैं बाहर से। डॉगी देखो आद्यान आए हैं आपसे मिलने। डॉगी तुम्हें ठंडी लग रही है क्या? हाँ, कुछ उड़ाओगे उसको? डॉगी के लिए टेंट हाउस बनाए ना हम लोग। हाँ। कैसे बनाओगे? अपना टेंट हाउस ले आओ। नहीं, अपने टेंट हाउस में नहीं रखोगे डॉगी को? डॉगी हाँ। ये देखिए ये क्या है हमारे घर में, ये है आद्यान का टेंट हाउस जिसको आद्यांत बेड पे अरेंज करवा दिए हैं। और आद्यांत के साथ खेल खेल के अभी तो रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन मेरे बज चुके हैं 12 क्योंकि यहाँ मेरे बाल देख सकते हैं। तो वैसे भी जुकाम हो रखा है, शैम्पू करना है, और जुकाम की वजह से शैम्पू कर नहीं सकती मैं अभी, और उसके बाद भी खेल खेल के हालत हो गई है खराब। हाँ देखा। कितना बड़ा पपी था? कितना बड़ा सा? तो पपी को आपने कुछ खिलाया? कुछ नहीं खिलाया। क्यों बेटा, आपको कुछ खिलाना चाहिए था ना पपी को। आद्यान हेलो। हेलो दो दो। हाँ दे दो। क्या दे दे? बाय। नो 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 नो, बस से बाय, से बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो दोस्तों अब मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो होप सो आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और नहीं भी पसंद आया हो गाइस तो भी प्लीज लाइक कर देना, देखो मुझे कितना जुकाम है। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब कमेंट करके बताना कि कौन कौन पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को डील करना किसके लिए टफ होता है, किसके लिए इजी होता है, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस। तो तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।